सीधा यहाँ से अम्बाला जाएंगे पैदल यात्रा। हमें न्याय चाहिए और इंसाफ चाहिए। इनकी पेंसिल बंद करवानी है। हमें यहाँ तो इंसाफ मिला नहीं, प्रशासन मिला हुआ इनके साथ और हमें न्याय नहीं मिल रहा। दर दर की ठोकरें खा चुके हम हैं और अरदास लगा चुके हम, बार बार दरख्वास्त चक्कर काट काट कर हम अब हार चुके हम। अब न्याय चाहते हैं, अनिल विज जी के पास जाएंगे। अब हमें न्याय चाहिए और भूख हड़ताल पर बैठेंगे वहाँ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक वहाँ से उठेंगे नहीं, और उसके बाद में वहाँ से भी हमें जवाब मिला तो हम दिल्ली कुछ करेंगे फिर। तो कौन से अधिकारी हैं, क्या प्रॉब्लम? ये ओपी बिश्नोई है जी, तहसीलदार, और मदन मोहन मेहता है कानू का, और पटवारी जसवंत है। इन्होंने कागजों में फ्रॉड किया हुआ है और इन्होंने माना है हमने फ्रॉड किया है, गलती मानी है इन्होंने, और फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा। तो क्या न्याय क्या चाहते हैं आप? न्याय हम ये चाहते हैं जी, हमें व्यवसाय ख़त्म हो गया हमारा, मकान इन्होंने बेच दिया कागजों में, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 8 महीने लगे थे हम, उसके बाद में लॉकडाउन लग गया था। हम कानून की हेलना भी करेंगे, पालना करेंगे, और कानून से ये भी चाहते हैं हम जो हमें इंसाफ मिले, न्याय मिले बस। तो अब इंसाफ यात्रा कैसे कैसे जाएगी, अनिल विज तक कैसे पहुँचेगी? हम ये पैदल चलेंगे जी दिल्ली पुल तक जी, फिर उसके बाद में फतेहबाद रोज मार्च निकाल लेंगे। विद फैमिली है जी, 2 बच्चे हैं और मियाँ बीबी हम। मेरा नाम रुचि जमाली है। क्या कहना चाहेंगे, पैदल मार्च शुरू कर रहे हैं? हम पैदल यात्रा करके अम्बाला पहुँचेंगे अनिल विज के पास। हमने उनसे इंसाफ मांगेंगे, न्याय दो या इंसाफ दो या फिर हमें मौत दो। इस पैदल यात्रा में आपका पूरा परिवार है? हाँ जी, इसमें मेरे एक बेटा है एक बेटी है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ददर की ठोकरें खा रहे हैं हम इसकी बीमारी के। इसमें मेरे पति बीमार हो चुके हैं। अगर रास्ते में कुछ होता है मेरे पति को तो इसमें ना प्रशासन जिम्मेवार बनेगा और हरियाणा सरकार जिम्मेवार बनेगी। तो बार बार आप डीसी ऑफिस भी गए हैं, क्या कहते हैं अधिकारी? उन्होंने ना उनकी फेवर ले रहे हैं, पटवारी और की फेवर ले रहे हैं उनमें इसकी। तो उन्होंने जवाब दिया कि भैया गलती मांग रहे। गलती मांगने से क्या होता है, वो तो गलती मांग चुके। हमारा तो व्यवहार खराब हो, व्यवसाय खराब हो चुका है, पति बीमार हो चुके हैं। गलती मांगने से क्या होता है? लो मैं किसी का कत्ल कर देती हूँ तो मुझे माफ़ कर देना आप। अनिल विज से पहले भी मिले थे आप? हाँ जी, उन्होंने अभी उनका कोई जवाब नहीं आया वहाँ से, इसलिए हम पैदल यात्रा कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके। और कल से भूख हड़ताल? हाँ जी, अगर वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिला तो हमारी, हम 4 जने जा रहे हैं, हमारी 4ों की अर्थी आएगी वहाँ से। मेरा नाम मीनू है, मेरे पिता श्री का नाम राजीव कुमार है। अगर बीच में मेरे पापा को कुछ भी हुआ और मेरे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम और इनके दौरान बीच में मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना तो सरकार जिम्मेवार होएगी। जिन्होंने इनके मेरे पापा के साथ इतना कुछ किया वो जिम्मेवार होएगा। आपका छोटा भाई भी आज? छोटे भाई की भी पढ़ाई ख़राब हो रही है और बड़े की भी हुई, और मेरे भी अगर हमारे आगे भी कुछ भी हुआ ना मेरे पापा को तो पूरी सरकार जिम्मेवार होएगी।